सलमान खान की फिल्म टाइगर जी ने बॉक्स ऑफिस पे अपना सेकंड वीकेंड कंप्लीट कर लिया है, पर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि द फिल्म हैज लिटरली क्रैश्ड ऑन द बॉक्स ऑफिस। सबको पता था कि फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बिल्कुल भी खास नहीं है, प्लस इस वक्त तो क्रिकेट में वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो कलेक्शन जो है वो थोड़े बहुत इफेक्ट होंगे, बट ऑनेस्टली सेइंग कलेक्शन इतने ज्यादा पुअर आ जाएंगे ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म इंडिविजुअली एज अ स्टैंड अलोन फिल्म खराब अन कर रही है, लेकिन जो टाइगर फ्रेंचाइज का लेवल रहा है और स्पेशली अब जो वायरस के स्पाई यूनिवर्स का लेवल हो चुका है, उस हिसाब से टाइगर थ्री के जो कलेक्शन है वो काफी पुअर है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइगर थ्री ने फ्राइडे को 13 करोड़ अर्न किए थे, जिससे इसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 96 करोड़ पहुंच चुका था। ऐसे में सैटरडे को फिल्म ने अच्छी खासी ग्रोथ देखी, 18.25 करोड़, इतना हुआ सैटरडे का कलेक्शन, और उसके बाद सभी को पता था कि कलेक्शन में एक बहुत मेजर डिप आने वाला है। और उसका सिंपल रीजन यही था कि संडे को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था, तो ऐसे में दो डिजास्टर्स वाली न्यूज आई है। सबसे पहली तो ये कि इंडिया भी वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, और उससे भी ज्यादा ये कि इस वर्ल्ड कप फाइनल मैच की वजह से टाइगर थ्री के जो कलेक्शन है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं। 10.25 करोड़, इतना टाइगर थ्री ने कल यानी अपने सेकंड संडे को कमाए हैं, और अब इसी के साथ इस फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन हो चुके हैं 224.50 करोड़। तो अगेन एज अ सेड इन द बिगिनिंग, एज अ स्टैंड अलोन फिल्म टाइगर थ्री के जो कलेक्शन है वो ठीक ठाक है, बट दो एस्पेक्ट में ये बुरी तरह मात करी है। सबसे पहले तो टाइगर फ्रेंचाइज का जो पास रिकॉर्ड रहा है वो टाइगर थ्री से काफी बेटर रहा है, चाहे वो एक था टाइगर हो चाहे वो टाइगर जिंदा है रही हो, इन दोनों ही फिल्मों की जो ट्रेंडिंग है वो टाइगर थ्री से काफी ज्यादा बेटर थी। और वहीं अगर मैं बजट की बात करूं तो पूरे वायरस के स्पाई यूनिवर्स की टाइगर थ्री सबसे कॉस्टलीस्ट फिल्म है। इस फिल्म का जो बजट है वो 300 करोड़ है। इनफैक्ट कई मीडिया हाउसेस तो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि फिल्म के प्रोडक्शन में सिर्फ 300 करोड़ गए हैं, अगर हम प्रिंट और एडवर्टाइजिंग को मिला दे तो इस फिल्म का जो ओवरऑल बजट है वो 350 करोड़ है। पर फिर भी अगर हम 300 करोड़ भी मान के चले तो ऐसे में इस फिल्म को मिनिमम इंडिया में 300 करोड़ का बिजनेस करना जरूरी था सिर्फ एवरेज का टैग पाने के लिए, और ऐसे में अगर फिल्म को सेमी हिट का टैग चाहिए था तो इसको मिनिमम 340-350 करोड़ का बिजनेस करना था। लेकिन अब जैसे फिल्म के कलेक्शन दिखाई दे रहे हैं और अब जैसी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी दिखाई दे रही है, उससे एक चीज ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि यह फिल्म 350 करोड़ का तो बिजनेस नहीं करने वाली है। यह मैं इंडिया कलेक्शन की बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म मैक्सिमम टू मैक्सिमम शायद 300 करोड़ का मार्क छू ले, और वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस फिल्म की जो मंडे की एडवांस बुकिंग है वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। ऐसा देखने में लग रहा है कि आज ये फिल्म सिंगल डिजिट में कमाएगी, और ऐसे में आने वाले दिनों में भी इस फिल्म के कलेक्शन डाउन ही जाने वाले हैं। एक जो हमें सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि एनिमल और सैम बहादुर के रिलीज होने में अभी तकरीबन 10 दिन है, तो ऐसे में 10 दिन जो बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेंस है वो डेफिनेटली टाइगर थ्री का रहेगा। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि जब फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो भले ही वो फिल्म थिएटर में अकेले ही क्यों ना खेल रही हो, लेकिन उसके बाद भी कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और ये इतना ज्यादा शॉकिंग और कंसर्निंग इसलिए भी है क्योंकि टाइगर थ्री की जो ट्रेंडिंग है वो टाइगर जिंदा है से भी ज्यादा खराब है। यहां मैं आपको बता दूं कि टाइगर जिंदा है 2017 के क्रिसमस पे रिलीज हुई थी, और जब उस फिल्म का सेकंड वीकेंड कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद उस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो थे 232 करोड़, वहीं टाइगर थ्री के जो कलेक्शन है वो तकरीबन 224 करोड़ है। तो ऐसे में क्लियरली समझ में आ रहा है कि टाइगर थ्री टाइगर जिंदा है से तकरीबन 8 करोड़ पीछे है, और ये इतना ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि आप समझ सकते हैं 6 सालों में स्क्रीन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। उसके अलावा ये फिल्म आईमैक्स में भी रिलीज हुई है, और आईमैक्स की जो टिकट प्राइसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा हाई होते हैं, प्लस टिकट के प्राइसेस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब टाइगर जिंदा है रिलीज हुई थी उस टाइम जो टिकट के प्राइसेस थे वो तकरीबन 200-300 रुपए थे, वहीं टाइगर थ्री के जो टिकट्स हैं वो तकरीबन 400-450 रुपए के बिके हैं, और वहीं जिन शहरों में आईमैक्स स्क्रीन है उन शहरों में तो इस फिल्म ने अपने टिकट 800-900 रुपए के बेचे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर इतने हाई टिकट प्राइसेस के बावजूद भी टाइगर थ्री के कलेक्शन इतने पुअर हो रहे हैं तो ये ना सिर्फ टाइगर फ्रेंचाइज के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है बल्कि वायरस के स्पाई यूनिवर्स के लिए भी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बताया कि टाइगर थ्री का बजट अराउंड 300 करोड़ है, तो ऐसे में अगर ये इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 300 करोड़ नहीं कमाती है तो ये वायरस के स्पाई यूनिवर्स की ऐसी पहली फिल्म होगी जिसका फ्लॉप में नाम आएगा। और अगर ऐसा वाकई होता है तो डेफिनेटली आने वाली जो वायरस स्पाई यूनिवर्स की फिल्में हैं उस पर भी थोड़ा बहुत तो जरूर इंपैक्ट डालेगी। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेकअप कॉल फॉर यशराज फिल्म। आई थिंक प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वायरस के स्पाई यूनिवर्स की कोई भी अगर फिल्म बनाए तो वो सिर्फ टॉप लेवल का डायरेक्टर हो, जिस तरीके से सिद्धार्थ आनंद ने वॉर और पठान बनाई थी, या फिर कबीर खान ने एक था टाइगर बनाई थी, या फिर अली अब्बास जफर ने टाइगर जिंदा है बनाई थी। उसी लेवल के डायरेक्टर को वायरस स्पाई यूनिवर्स की फिल्म की जिम्मेदारी देनी चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइगर थ्री का जो डायरेक्शन है वो मनीष शर्मा ने किया है, और सभी जानते हैं कि मनीष शर्मा ने अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन थ्रिलर फिल्में नहीं बनाई है। उनकी थोड़ी बहुत जो फिल्में हिट भी रही है वो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक कॉमेडीज रही है, चाहे वो बैंड बजा बारात रही हो या फिर शुद्ध देसी रोमांस। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी थ्रिलर फिल्म नहीं बनाई है, तो इतनी बड़ी फिल्म की जिम्मेदारी जिसका बजट 300 करोड़ हो वो एक ऐसे डायरेक्टर को दे देना जिसका इस लाइन में कोई भी
एक्सपर्टीज नहीं है, ये काफी ज्यादा डम डिसीजन महसूस होता है। वैसे मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम टाइगर थ्री की स्टोरी के बारे में खुल के बात करेंगे और एक सिनेमैटिक एनालिसिस करेंगे कि टाइगर थ्री की स्टोरी किस मामले में मात खा गई, जिस वजह से ये फिल्म वो कमाल नहीं कर पाई जो हम वायरल के स्पाई यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर वो वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी के लिए अपने सिनेमा रंजन को दीजिए इजाजत।